जी आप बहुत खुश लग रहे हो, तो गुड न्यूज बता दो आप खुद ही, शर्मा मत। यार गुड मॉर्निंग एवरीवन देयर, कैसे आप सब? आई होप ईच वन अमंग यू इज डूइंग गुड एंड इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट वोक अप बिफोर एन आवर। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया एंड आपको लग रहा है ना दाढ़ी थोड़ी आ गई है, ऐसे आई लाइक टू कीप इट क्लीन। तो मैं बाहर रूम जा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने स्टार्ट ब्लॉग करते हैं क्योंकि दिल्ली में मैं ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा ब्लॉग किए नहीं, 2 महीने में कोई 2-3 ब्लॉग आया है। मैं स्टार्ट ब्लॉग करते और बाहर भी जाते हैं और देखते क्या रहेगा, मज़ा आने वाला है। यू पीपल स्टे ट्यून। तो ये है सलून मेरे फ्लैट के पास ही एंड आई फ्रीक्वेंटली विजिट हियर फॉर ग्रूमिंग। बाय द वे मैंने आज तक कभी शेव नहीं किया है, तो ब्लेड ना या फोम या जो भी तरह के शेव है, हाँ बट ट्रिमिंग करवाता रहता हूँ मैं रेगुलरली। दिल्ली की गर्मी की वजह से ना D10 कराना पड़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं, 46-47 टेम्परेचर, यू पीपल कैन इमेजिन बाय योरसेल्फ। ओके सो डन विथ ट्रिमिंग D10 एंड स्क्रब। कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा हूँ, वैसे ऑब्वियसली वैसे ही लग रहा होगा जैसे पहले था, बट एक्चुअली दिल्ली में क्या है ना टेम्परेचर इज हाई तो D10 कराना ज़रूरी था एंड यहाँ का पोल्यूशन आपको पता ही है, तो ब्लैक हेड्स वगैरह पूरे हो गए थे एंड 2-3 महीने से कराए भी नहीं यार, मैं तो बाल पे ध्यान दिया है, बाल भी देखो ना, इनको केराटिन कराना पड़ेगा तो काट देने पड़ेंगे, एग्जाम्स वगैरह इसी सब मैं फंसा रहा, आप लोगों को तो पता है, इसके ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे एंड राइट नाउ इट्स 1:50 तो अभी चलते हैं यहाँ से। और ये रहा रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल मेरे फ्लैट के पास ही है एंड सलून के पास ही, मतलब सलून से निकला तो बस 2-3 दुकान छोड़ के ये यहाँ एक दो बार ट्राई किया, मज़ा आया था, इधर इनका टेस्ट ठीक है, सो लेट्स ट्राई टुडे अगेन। किसी का बर्थडे था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अभी फिलहाल बिरयानी के लिए बोला है, अरे वो टेस्ट करेंगे देखेंगे कैसी रहेगी, उसके बाद देखेंगे अगर पेट में जगह बची तो और भी कुछ ऑर्डर करेंगे। अभी अकेला हूँ मैं, कोई पार्टनर होता तो फिर अच्छे से कोई बढ़िया सा ऑर्डर करते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में तो खाते, बट आपको बताइए अकेले में ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो आने दो बिरयानी। 15 minutes later. तो ये रही दम बिरयानी, करते हैं खाना शुरू, उसके बाद आई लेट यू नो हाउ वाज द टेस्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट टेस्ट इज क्वाइट गुड। मसाला दम बिरयानी मैं यूजुअली खाता हूँ मुरादाबादी जो ना कम स्पाइसी होती है, बट ये स्पाइसी दम बिरयानी है एंड इसका टेस्ट भी अच्छा है और ना यूजुअली मैं स्पाइसी नहीं खाता। डन विद द मील्स, नाउ लेट मी पे। 20 minutes later. हाँ जी, तो अभी फ्लैट पे वापस आया हुआ हूँ मैं एंड अभी 2 बज रहे हैं, इससे दांज पे है ना जो मेरा कज़न है इधर, तो वो गए हुए यूनिवर्सिटी आने दो उनको भी एंड उन्होंने कॉल भी किया, बहुत खुशी का कॉल है, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा एंड तब तक एक वीडियो है उसको मैं करूँगा एडिट, उसमें कोई 1-2 घंटे लगेंगे तो वेट करूँगा मैं, तब तक शायद दांज भाई भी आ जाए, तो बाद में मिलते हैं। Much later. इंट्रोडक्शन तो मैंने किया है, अच्छा नहीं लगता है तो हाँ, तो मैंने बोला था ना आज मैंने गुड न्यूज दी थी फोन पे, तो वो ये थी कि इनका जॉब लग गया बेंगलोर में विद 10 लाख पैकेज है, वो शर्मा रहे हैं एंड अभी हम उसी की थोड़ी छोटी सी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेशन तो कवरिंग करेंगे तब जब ये भी कश्मीर आएगा, मैं भी वहाँ होगा तो तब बढ़िया सा कोई प्लान करेंगे ट्रिप, बट अभी छोटी मोटी सेलिब्रेशन करने जाते हैं एंड इनका फ्रेंड भी आया है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। हाँ एक्चुअली इनके साथ ये सीन हुआ क्योंकि एक साथ ही पढ़ते हैं ना भाई, बहुत तो दुख है भाई। जब इनको जॉब मिला ना, इनको नहीं मिला तो दुख तो होता है, तो सही बात है, दुख इसका नहीं है कि इनको जॉब मिला, मैं टैलेंटेड ज्यादा हूँ भाई इससे, वही तो मैं बोला दुख इसका नहीं कि दांश भाई को जॉब मिला, दुख है कि आपको नहीं मिला है ना। एग्जैक्टली, तो चलते अभी बार देखते हैं क्या रहता है, सही है ना, यू पीपल स्टे ट्यून। लूट लेना पूरा ये दुख उख निकालना आज, बिल्कुल निकालूंगा, अरे बर्तन नहीं धुलवाना बस। अभी फिलहाल के लिए इधर आए हैं हम, यहाँ दिन में भी आए थे, आप लोगों को याद ही होगा, देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले। 15 minutes later. ओके दांज भाई के और भी फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, ठीक है फिर हम ऑर्डर शुरू करें। दानिश भाई की हालत खराब है, इसी का थोड़ा शोर होगा, डोंट माइंड, ठीक है ऑर्डर करते हैं पहले। 20 minutes later. यार मैं 10 मिनट चला के आ गया था फ्लैट पे थोड़ा काम से, हाँ मेरा वेट ही नहीं किया आप लोगों ने, देखो सारे खा पी के आराम से बैठे, भूख लगी थी बहुत तेज वाली, आप चले गए, आपको क्या था,
चलो वैसे हमारी पार्टी तो अभी पेंडिंग ही है भाई, आराम से हम दोनों। तो मैंने अलग से कुछ ऑर्डर किया, अभी आने दो। देखो मेरा प्लेट ऐसे ही था, मैं गया था अभी 10-15 मिनट थोड़ा काम से, तो भूखे प्राणी थे ये लोग, भूखे थे तो वेट ही नहीं किया मेरा। एक्चुअली मैंने बोला था मैं नहीं आ पाऊंगा, बट फिर आना पड़ा। अब दानिश भाई की खुशी थी, क्या ही कर सकते। 15 minutes later ओके, तो जैसा मैंने बोला ना कि मैं चला गया था, तो आप लोग को वो सीन बताइए। तो हाँ, तो अभी मैंने ऑर्डर किया अपने लिए बटर चिकन और नान, खाता हूँ। वैसे लास्ट टाइम भी खाया था, टेस्ट ठीक था, अभी खाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। डन विद द मील्स एंड इट्स टाइम फॉर खीर नाउ। लास्ट टाइम भी खाई थी, काफी टेस्टी है ये, तो खाते हैं खीर। भाई आंखें बंद हो रही है मेरी तो। क्यों पता नहीं भाई, क्या मिला है खाने में से। तो नहीं खाई क्या है, तो नहीं खाइएगा, तो नहीं खाइएगा, खाइएगा तो खाकर सो जाइएगा, पर बहुत जल्दी आप खाइएगा खीर, खानी ही पड़ेगी। ऑलराइट, तो पार्टी हो गई थी, नहीं पार्टी नहीं बोलेंगे उसको, वो जैसे ही मतलब इसको अपने फ्रेंड्स को देनी थी ना कॉलेज वालों को, क्योंकि वो तो कश्मीर नहीं आ सकते, बट हमारी पार्टी अभी ब्रो दादा बाकी है मेरे दोस्त, फिर ठीक है। सुधांश भी अभी बहुत खुश है, क्या पता इनकी खुशी रहेगी तब तक जब तक ये आएंगे 2-4 दिन में कश्मीर। फिर लद्दाख का प्लान है, क्योंकि आज ट्रीटमेंट इनको लद्दाख बोला कि लद्दाख जाएंगे, जाएंगे भाई जाएंगे, जाएंगे ना। ओके, सो आई थिंक विद दिस इट इज एनफ फॉर दिस वन। ड्यू टू एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक, एंड फॉर न्यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।